सीमांत जनपद चमोली के दूर दराज क्षेत्रों में ग्रामीणों को अब छोटे छोटे कार्यों के लिए मीलों दूर सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे, साथ ही उनके समय व पैसे की बचत भी हो रही है। यह संभव हुआ है डिजिटल इंडिया मुहिम से। जिले के 9 विभाग लोगों को कुल 75 सेवाएं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में जन सुविधा केंद्र खोले गए हैं, जहां लोगों को घर बैठे ही प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा तो मिल ही रही है, साथ ही पानी, बिजली, टेलीफोन के बिल, राशन कार्ड डिलीवरी, इनकम टैक्स रिटर्न भरने जैसी सुविधाएं भी मिल रही हैं। खासकर छात्र युवा इससे काफी खुश हैं। उनका कहना है कि डिजिटल इंडिया के तहत सभी सुविधाएं ऑनलाइन मिलने से उनके समय व पैसों दोनों की बचत हो रही है। पहले हमको सब काम हाथी से करना पड़ता था, अब ये ऑनलाइन हो गया, सब कुछ कंप्यूटर डिजिटल हो गया है। अब ये सरकार द्वारा बहुत अच्छा काम चल रहा है, इससे हमको भी बहुत सुविधा हो गई है। अब फॉर्म सब ऑनलाइन हो रहा है, सब कुछ। पहले हम तो आय प्रमाण पत्र बनाने, जाति प्रमाण पत्र बनाने या कुछ भी हो तहसील में जाते थे, अब हमें एक ही जगह पे बहुत सुविधा हो गई है। अब हमें बहुत सुविधा हो गई है कि एक ही जगह पे हमारा सब कुछ काम हो जा रहा है। चमोली के ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का कहना है कि 75 प्रकार की सेवाएं लोगों को दूर दराज क्षेत्रों में सीएससी के माध्यम से दी जा रही हैं। वहीं जन सुविधा केंद्रों के संचालकों का कहना है कि जहां एक ओर डिजिटल इंडिया के कारण लोगों को सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल रही हैं, लोग इनका भरपूर लाभ भी उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इससे रोजगार के रास्ते भी खुले हैं। चमोली में हम 75 सेवाएं दे रहे हैं, अलग अलग 9 डिपार्टमेंट की, और इनमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया हमारा, फिशरीज हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, और सोशल वेलफेयर हो गया, ड्रिंकिंग वाटर वाला हो गया। तो इन सब में जो हमारे सेवाएं हैं वो 75 सेवाएं हम कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी के माध्यम से दूरस्थ गांव जो हमारे रिमोट एरिया है वहां तक दे रहे हैं। हम सभी प्रकार के प्रमाण पत्र ऑनलाइन करते हैं, और ये प्रमाण पत्र ऑनलाइन होने से हमें और आम जन लोगों को काफी सुविधाएं मिली हैं, जिससे पहले क्या होता था, ऑफिसों में हमें जगह जगह चक्कर काटने पड़ते थे, कभी कोई अधिकारी नहीं है, कभी कोई कर्मचारी नहीं है, जिससे अब ये हो गया कि सब ऑनलाइन होने के कारण सब हमें एक जगह पे मिल जा रहा है, जिससे आम लोगों को काफी सुविधाएं हो रही है, और इसमें इससे हमें रोजगार को बढ़ावा देने में भी काफी मदद मिली है। काफी लोगों ने अपने सीएससी सेंटर खोले हैं। पूरे भारत में मुझे जहां तक पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को इसका फायदा हुआ है कि जो लोग घंटों तक लाइनों में लगा करते थे अपने कार्यों के लिए, सरकारी कार्यों के लिए या बैंकिंग के लिए, या बिजली का बिल जमा हो गया, पानी का बिल जमा हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आधार कार्ड के आने से, साथ ही साथ यूपीआई के शुरू होने से, साथ ही साथ ये जितनी भी डिजिटल प्रणाली है उसके आने से आम जनमानस को बड़ी राहत मिली है। और इसके लिए डिजिटल इंडिया प्लान को भाई सभी लोग खूब सराह रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है।